आप जब सुबह उठे होंगे तो आपको बहुत सारे लोगों ने गुड मॉर्निंग विश किया होगा, या आपके मोबाइल पे मैसेजेस आए होंगे, फ्रेंड्स के मैसेज आए होंगे, गुड मॉर्निंग तो सबने विश किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो मॉर्निंग गुड नहीं हुई है, क्योंकि सुबह सुबह इस तरह की न्यूज मिली है। अगर आप एक नेपाल क्रिकेट फैंस है तो ऑलरेडी आप वो न्यूज जानते हैं, पारस खड़का। जी हाँ, पारस खड़का, लेजेंड, गोट, आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे फैंस ने हमें कहा भी कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि कितने वो सैड हैं, कितने डिसहार्टेंड हैं कि पारस खड़का ने ऑफिशियली रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस होगा नेपाल के लिए, कहीं ना कहीं क्या बहुत बड़ा लॉस है उन्होंने। जी हाँ, सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। जी हाँ, वो एक मैसेज था पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को, अपने फैंस को, और जिन्होंने भी उनका सपोर्ट किया, फ्रेंड्स, फैमिली, अपने क्रिकेट प्लेयर्स, जो सपोर्ट में क्रिकेट प्लेयर्स थे, उन सबको उन्होंने एक मैसेज दिया। और उसी मैसेज में उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर किया कि अब वक्त आ चुका है कि मैं रिटायरमेंट अनाउंस करूं। वो मैसेज उन्होंने क्या दिया, आइए आपको पूरा पढ़वाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा अपने इस एक स्टेटमेंट। जी हाँ, बहुत हार्ड है एक्चुअली, क्योंकि एक इतने बड़े प्लेयर का एक लास्ट वर्ड्स, जी हाँ, क्रिकेट से पहले बिल्कुल। तो शुरू करता हूँ कि कहा है कि विद अटमोस्ट क्लैरिटी, रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, आई हैव नाउ डिसाइडेड टू रिटायर माई सेल्फ फ्रॉम प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। जी, कुछ लाइन थी शुरू की, जी हाँ, उन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, और इसके आगे कंटिन्यू किया उन्होंने, प्लेइंग फॉर नेपाल हैज बीन माय बिगेस्ट अचीवमेंट एंड फॉर दैट आई विल बी ऑलवेज बी इंडेप्टेड टुवर्ड्स माय कोचेस, प्लेयर्स, फैंस, स्टेक होल्डर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर देयर कंटिन्यूस सपोर्ट ओवर द लास्ट 18 इयर्स सिंस आई स्टार्टेड एज अ यंग 15-year-old बॉय इन 2002। जी हाँ, 18 साल उन्होंने अपनी कंट्री को दिए हैं, 15 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, जैसे कि अपने स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया, और उन्होंने फ्रेंड्स, फैमिली, स्टेक होल्डर्स से लेकर क्रिकेट फैंस, जो इनके क्रिकेट सपोर्टर्स रहे, उन सबको उन्होंने थैंकफुल कहा इस पूरी जर्नी के लिए। 18 साल की जर्नी कहीं ना कहीं आसान नहीं होती, और सबसे बड़ी बात उनके पर्दे के पीछे की जर्नी, जी हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं होती है। आप उनके इंटरनेशनल टैलीज देखेंगे तो आपको सिर्फ 10 ODI नजर आएंगे ऑन रिकॉर्ड्स, और आपको 30 या 40 करीब T20 नजर आएंगे, लेकिन ये वो अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो एक अचीवमेंट है, जैसे बताइए ये ड्रीम कम ट्रू होता है जब आप फ्रूट लेते हैं, ये वो फ्रूट है, लेकिन उन्होंने जो नेपाल क्रिकेट के लिए किया है, जी हाँ, जो स्टेटस दिलाने में लेकर कहीं भी वर्ल्ड डिविजन्स में, लीग्स में, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है कहीं ना कहीं उनका, और वो उन्होंने जो अपने साल नेपाल क्रिकेट को दिए हैं वो जिंदगी भर कर्जी रहने वाले हैं नेपाल क्रिकेट में, और उन्होंने एक बेटर, जी हाँ, उनका एक ड्रीम जरूर है, इसमें उन्होंने अपने एक ड्रीम के बारे में भी बताया है कि उनका एक ड्रीम जरूर है, और वो है नेपाल क्रिकेट सिस्टम को बेहतर देखना। जी हाँ, वो ये उनका एक ड्रीम हो जाते हैं, तो उन्होंने जरूर यहाँ पे एक पॉइंट आउट की है चीज जो हम यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बेटर क्रिकेट सिस्टम देखना चाहते हैं नेपाल में, जो कहीं ना कहीं फिलहाल काफी कमजोर नजर आता है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बिल्कुल, आगे शुरू करूं तो इसके बाद उन्होंने कहा व्हाई नाउ, अभी क्यों, बिकॉज इट्स अबाउट टाइम। As a cricketer, I have given my heart, blood and soul and have always dreamed to achieve better for my country. My ultimate dream, jaisa abhi kuch deer pehle aapko bataya gaya, is to see Nepal have a better cricketing system for which I have spent all my energy in the last 2 decades. Bilkul. Ji haan, 2 decades. Bilkul. 18 saal. Bilkul. Lagbhag 2 decades. Ji haan. And to improve, it will require equal support from everyone in the cricketing community and beyond. जी हाँ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये इशारा किया है कि जिस तरह से 2 decade मैंने दिए हैं और अपनी पूरी एनर्जी यूज की है आज नेपाल जिस तरह जिस कगार पे वहां तक पहुंचाने के लिए, तो उस हिसाब से पूरी क्रिकेट कम्युनिटी को उसी लेवल से उसी एनर्जी के साथ काम करना होगा आगे, ताकि नेपाल क्रिकेट सिस्टम बेटर हो सके, जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त इस पोजिशन पे आके। आगे के देखते हैं उन्होंने एट द एंड लास्ट में क्या कुछ कहा। बिल्कुल, आई बिलीव विद एवरीवन ऑनेस्ट एफर्ट एंड इंटेंशंस वी विल बी एबल टू डू सो। जी हाँ, इसके बाद दिस अमेजिंग, लास्ट उन्होंने कहा, दिस अमेजिंग जर्नी ऑन अ क्रिकेट फील्ड एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर साइड एंड्स हियर। जी हाँ, बट द क्रिकेट ड्रीम्स फॉर माय कंट्री नेवर एंड्स।
जी हाँ, तो उनकी जो ड्रीम्स है क्रिकेट को, नेपाल क्रिकेट को जो चरम से पे देखने की, वो आज भी कायम है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि नेपाल क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं एक दिन वो ऊंचाई जरूर छुएगा और उसमें बहुत बड़ा योगदान पारस खड़का का आज तक रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, पारस खड़का के बारे में कोई एक नाम तो नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत लोग हैं जो इनकी मेहनतों को नहीं जानते। इन्होंने तब वो सिर्फ गूगल पर सर्च करेंगे और देखेंगे अरे 45 मैच ही तो है ओडीआई टी20 में मिला के, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या कुछ किया। बिल्कुल, हंसी आती है खैर ऐसे लोगों पे, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम भी उनमें से थे, बिल्कुल बिल्कुल थे, ऐसा नहीं कि हम कोई संत थे, हम उनमें से थे, लेकिन जी हां ऐसा कुछ नहीं था, हम भी उनमें से थे, हमने रियलाइज किया और हम आए, हमने एज ए क्रिकेट फैन सपोर्ट करना शुरू किया क्रिकेट को। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने तब क्रिकेट खेला है जब कोई क्रिकेट में भेजना नहीं चाहता था। बिल्कुल, 2000 की हम बात कर रहे हैं, 2000 की हम बात कर रहे हैं, जब कोई क्रिकेट में जाना नहीं चाहता था, फैमिलीज भेजना नहीं चाहती थी, तब उन्होंने खुद एग्जांपल सेट किया है और गॉड ऑफ नेपाल क्रिकेट को ऐसे ही नहीं कहा जाता, गॉड खाली ऐसे ही नहीं बन जाते, बहुत सारी सेक्रीफाइस उन्होंने किए हैं और तब जाके वो आज यहाँ है। नेपाल को क्रिकेट को पहले तो कोई देखता भी नहीं था, बिल्कुल आज जो देखते हैं वो पारस खड़का है और उनके बाद अब लामिन चाहने आए, इसलिए पारस खड़का की वजह से आज नेपाल क्रिकेट को देखते हैं और इन सबके तो आइडल है वो, जो यंग प्लेयर्स टीम में। गॉड ऑफ नेपाल क्रिकेट का एक दर्जा देना बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं के लिए बना है, हर क्रिकेटर्स हर देशों में एक एक गॉड होते हैं और नेपाल के लिए वो ये गॉड है क्रिकेट। जी हाँ, और जहां तक मेरी बात है तो मैं तो बस एक ही मैच में, पहले भी मैच के आपसे किस्सा शेयर किया था कि मैं भैया थे, मैं उनसे पूछता था कि भैया नेपाल क्रिकेट नहीं खेलता क्या, मतलब सब देश क्रिकेट खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलता, तो उन्होंने कहा था कि क्रिकेट का तो पता नहीं कितना खेलते नहीं खेलते, लेकिन मेरे को उनके एक प्लेयर का नाम जरूर पता है, वो है पारस खड़का। तो आप सोच सकते हैं कि उनका नाम उस वक्त भी इतना ज्यादा था स्कूल टाइम में हमारे, कि एक नाम भले ही जानते थे कि नेपाल मतलब पारस खड़का, इतना जरूर जानते थे कि हाँ पारस खड़का नाम का एक प्लेयर है जो नेपाल की टीम से खेलता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक देश के नाम को सिर्फ एक एक इंसान की वजह से जानना कई कई कंट्रीज में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ कैन से और जो भी बोर्ड मेंबर्स, मैं चाहूंगा कि उनको ऐसे रिटायरमेंट ना मिले, घर बैठे हैं और ग्रैंड रिटायरमेंट, फेसबुक या ट्वीट पर ट्वीट कर दिया, उनके हकदार नहीं है वो बहुत बड़े पूरे नेपाल के लोग वहां होने चाहिए कम से कम, और वहां आपको उनको रिटायरमेंट, उनको बहुत ही इज्जत से रिटायर करना चाहिए, बहुत बड़े हकदार है वो, बहुत ही बड़े हकदार, सिर्फ घर में बैठ के वो इतने हकदार नहीं। जी हाँ, वो सिर्फ कि आपने ट्वीट कर दिया कि बहुत थैंक यू, उससे बात नहीं बनेगी। अब हमें उम्मीद है कि आप ग्रेट ग्रैंड ऑफ ऑनर जरूर मिलेगा। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतना है, एक इन्फॉर्मेशन थी कि पारस खड़का नेपाल के गोट या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आप कह लें, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, बने रही क्रिकेट के साथ।